नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत मनकेड़ा नगला कार्य में सरकारी चक्रोड पर अवैध कब्जे को लेकर किसान नेता सावित्री चाह ने प्रशासन से कई बार फरियाद लगाई है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न करने पर गुरुवार को किसान नेता ने रेलवे ट्रक जाम करने का ऐलान कर दिया और गुरुवार को भांडई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इसी बीच सूचना पाकर प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही पहुंच गए, जहां रेलवे का पुलिस फोर्स पहुंच गया तो वहीं थाना मलपुरा का पुलिस फोर्स भी पहुंच गया और किसान नेता सावित्री चाहर को देखिए किस प्रकार वहीं धरने पर बैठना पड़ा है। पुलिस प्रशासन के चलते किसान नेता ट्रेन रोकने में कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने वहीं भांडई रेलवे स्टेशन पर ही फर्श बचाकर धरना शुरू कर दिया। देर शाम तक धरना चला और राष्ट्र में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के द्वारा एवं एलआईयू के द्वारा देखिए किस प्रकार किसान नेता ने बताया है कि सभी ने कहा है कि जिलाधिकारी से 11 बजे शुक्रवार को वार्ता होगी और वार्ता में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और यह धरना इस बार कलेक्टर पर होगा। आप देखिए तस्वीरों में क्या कुछ बोले किसान नेता और क्या बोले ग्रामीण। एक दर्जन महिलाओं के साथ देखिए महिला पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद है और देखिए क्या कुछ कहना है इन सब को लेकर। वहीं अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो आप हमारी खबरों को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज को सब्सक्राइब। डॉक्टर साहब, क्या मामला है आज? आज मामला था, हम लोग खड़े हैं जंक्शन भाड़ई पे और 3 तारीख को ही हमने रेल ट्रैक जाम करने का लिखित में दे दिया था जिला प्रशासन को। हम भाड़ई जंक्शन पे खड़े हैं, मामला था आज रेल रोकने का, जो कि रेल प्रशासन आ गया है पहले ही और मलपुरा थाने से भी फोर्स आ गई। मलपुरा अध्यक्ष तेजवीर सिंह है वो भी आ गए थे, कैंट से ही फोर्स आ गई। मामला था अवैध कब्जे का, हमारी ग्राम पंचायत मनकेड़ा ब्लॉक अकोला थाना मलपुरा तहसील सदर का मामला है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अवैध कब्जा सारे मुक्त हो गए, जो भूमि अधिग्रहण कर रखी लोगों ने वो मुक्त करा दी गई, उनके ऊपर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत मनकेड़ा का जो कब्जा है वो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि 1576 चकमारक का घाटा संख्या है, नक्शे में है, तो जिला प्रशासन उसे मुक्त क्यों नहीं करा पा रहा है उसे? इसी को लेके आज हम लोग यहाँ रेल ट्रैक पे आए थे। तो अभी अभी बात हुई है एलआईयू के द्वारा और जो जिला अध्यक्ष राजवीर लमानिया जी हैं, उन्होंने कह दिया कि बहन जी आज अब हमारे कहने से धरना समाप्त कर दें, कल 11 बजे जिलाधिकारी महोदय से मिलते हैं, अन्यथा अगर हमारा कल कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को फिर हम कलेक्ट्री पे ही बैठेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश चाहर, एडवोकेट नगला कार्य ग्राम पंचायत मनकड़ा जिला आगरा। किसलिए आए थे आज यहाँ? आज अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। मनकड़ा ग्राम सभा जो विकास खंड खोला में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमि लोगों पर कब्जे कर रखे, अवैध कब्जे कर रखे, चक्रोड पर अवैध कब्जे कर रखे, जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे, सरकारी जमीनों पर कोई सुन नहीं रहा है, कोई शिकायत करें, कोई परवाह नहीं है सरकार को, न को प्रशासन।